हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज मैं ये जेसीबी टेरेस का बाहर फुल रिव्यू कराऊंगा और देखेंगे कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं और कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए मैं जाता हूँ। ये हो गया आपका, देखिए ये आपका बकेट है, ये हो गया ये आपका बकेट। और ये जो टेरेक्स लिखा है इधर बकेट से उधर ऊपर तक जो है टेरेक्स लिखा हुआ है, ये आपका हो गया बकेट के बूम, बूम हो गया। और ये हो गया आपका बूम का सिलेंडर या फिर जैक भी बोलते हैं इसको दोस्तों, याद रखिएगा। और ये हो गया आपका लॉक, इससे लॉक होता है, अगर लॉक कर देंगे तो ये बूम उठ नहीं पाएगा, इसे लॉक बोलते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिए ये हो गया आपका हाइड्रोलिक टंकी, इसमें 70 से 80 लीटर हाइड्रोलिक रहता है, ये आपका हाइड्रोलिक टंकी है। और इधर आइए देखिए, इधर इधर से जाते हैं घूम के, ये हो गया आपका बकेट का सिलेंडर। देखिए बकेट के सेंटर पिन बोलते हैं उसको, बीच में है, क्योंकि दोस्तों बीच में है इसलिए इसको सेंटर पिन बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये हो गया आपका साइड पिन, दोनों बूम के साइड पिन पिन और ये बकेट का सेंटर पिन, ये बकेट सिलेंडर, देखिए बकेट सिलेंडर जैक भी बोलते हैं इसको। और ये हो गया उसका सपोर्टिंग, बकेट का सपोर्टिंग है ये। और इधर ये सामने तरफ रहता है इसका बैटरी, इसको खोलना पड़ेगा, लेकिन अभी तो खोलेंगे नहीं, लेकिन बता दूं यार, ये सामने ही रहता है इसका जो बैटरी है। और इधर आइए देखते हैं क्या है इसमें, ये तो बूम ही है, बताया था ये भी बूम का ही सिलेंडर है। और इधर देखिए नीचे, नीचे ये जो लगा है सिलेंडर, ये हो गया आपका स्टेयरिंग का, स्टेयरिंग का सिलेंडर है, क्योंकि ये स्टेयरिंग ये सिलेंडर वाला है, तो आपको याद रखिएगा अगर सिलेंडर वाला स्टेयरिंग है तो पावर स्टेयरिंग है और बहुत प्ले होता है ये, थोड़ा सा अगर घुमा दो तो कहीं चले जाएगा, ये बहुत पावर बहुत प्ले होता है, पावर स्टेयरिंग है। और ये हो गया आपका अंदर दिख रहा है जो, ये हो गया आपका डायनामा, इसे डायनामा बोलते हैं, ये इंजन। और वो हो गया आपका पंखा, दिख नहीं रहा होगा। और ये हो गया आपका, ये आपका हो गया उस तरफ से दिख रहा है, घूमेंगे फिर बताऊंगा। इधर से जाते हैं, ये हो गया आपका फ्यूल टैंक जो डीजल टैंक बोलते हैं, ये हो गया आपका 140 लीटर का डीजल टंकी है, 140 लीटर रहता है इसमें डीजल, ये टेरेक्स मॉडल का है। और जेसीबी 3DX का 120 लीटर होता रहता है, क्योंकि वो थोड़ा पुराना मॉडल है। और ये हो गया आपका ऊपर जो है साइलेंसर दिख रहा होगा, साइलेंसर जो लंबा वाला है वो साइलेंसर है, इधर से थोड़ा नहीं दिख रहा है धूप के लिए, उधर से बताऊंगा। इधर से घूम के जाते हैं, ये हो गया आपका केबिन, केबिन है ये दिख रहा है। और ये हो गया आपका स्टेपलायर, ये स्टेपलायर है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हैं जब आपका पीछे बकेट, ये पीछे वाला बकेट अगर काम करेगा, इसको चलाना है तो ये स्टेपलायर दबाना पड़ता है, और आगे वाला वो जो बकेट दिख रहा है उसको भी दबाना पड़ता है, और एक्सीलेटर बढ़ा के ये इसको चलाते हैं। और ये हो गया आपका केबीसी सेट, ये हो गया आपका केबीसी सेट, इधर एक केबीसी पाइप है। और ये हो गया आपका स्वाइंग सिलेंडर, स्वाइंग दोनों तरफ लगा है स्वाइंग सिलेंडर, ये इस तरफ का लेफ्ट है, वो हो गया आपका राइट का, ये सिलेंडर स्वाइंग का मतलब है लेफ्ट राइट, इधर ये स्वाइंग करेंगे तो ये बूम सेट ये बकेट समेत उधर राइट में जाएगा और लेफ्ट में आएगा, अगर स्टार्ट होता तो दिखा देता, अभी तो नहीं है उस्ताद। और ये हो गया आपका बूम का सिलेंडर, इधर देखिए ये जो टेरेक्स लिखा हुआ है ये, इधर देखिए ये हो गया आपका बूम। और उधर ऊपर से जो नीचे तक आया है वो हो गया आपका स्टिक, वो हो गया आपका लंबा जो दिख रहा है वो हो गया आपका स्टिक का सिलेंडर। और ये हो गया आपका बकेट, और ये हो गया बकेट का पिन, इसे पिन ही बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये भी पिन है। और ये हो गया आपका सपोर्टिंग, बकेट का सपोर्टिंग। और ये हो गया बकेट का सिलेंडर, बकेट जैक,
बोलते हैं इसको, जैक भी बोलते हैं। इधर से अच्छा दिख रहा है, ये हो गया बकेट का जैक, और ये अब तो बता दिया हूँ, वो स्टिक है, ये बूम है, ये बकेट, वो स्टिक, बूम, बकेट, इधर केबीसी, ये हो गया आपका स्टेपलायर है, और वो केबिन है, केबिन देख रहे हो। फिर अगले वीडियो में बताएंगे, केबिन रिव्यू करने के लिए तो आज टाइम ही नहीं है, फिर अगले वीडियो में बताएंगे, टाइम मिलेगा तो फुल केबिन रिव्यू करा के बताएंगे हम क्या क्या है और कैसे काम करता है। और इधर देखिए, बोला था मैं बताने के लिए, ये हो गया आपका एयर फिल्टर है, ये एयर को फिल्टर करता है और देता है इंजन में, ये आपका एयर फिल्टर है। और वो हो गया आपका एयर क्लीनर, ये जो दिख रहा है ये आपका एयर क्लीनर है, और उधर जो ग्लास में लगा हुआ है, बता रहा था उस वक्त, जो ग्लास में है देखिए, उसको वेफर बोलते हैं, ये काम आता है। अब मान लो अगर बारिश हो रहा है, कहीं जा रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, तो आपका गिलास दिखेगा ही नहीं, आगे दिखेगा ही, रास्ता दिखेगा नहीं, तो इससे जो पानी गिरा हुआ होता है उसे साफ़ करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, उसे वेफर बोलते हैं। और ये हो गया आपका जेसीबी 1 2 3 4, ये नोजल पाइप है जो इंजन में गया है, नोजल में इधर हमारे डीजल पंप से जो गया है पाइप, नोजल पाइप चार गया है, यानी कि चार पिस्टन वाला है, ये जेसीबी चार पिस्टन वाला है, याद रखिएगा, चार पिस्टन का जेसीबी है। और इधर आपका मोबिल डालते हैं, देखिए इधर आपका मोबिल डलता है, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, जितना था बता दिया मैंने अंदर, फिर कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे अंदर, अगर खोलेंगे तो वीडियो करके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।